वन पार्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने डार्विन्स फिंचेस के बारे में देखा. एंड वेयर दीज डार्विन्स फिंचेस वर प्रेजेंट, दीज वर डिफरेंट क्रिएचर्स विच वर प्रेजेंट इन गालापागोस आइलैंड. गालापागोस आइलैंड क्या होता है? दे आर जस्ट ए चेन ऑफ 22 आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन में और साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ ये ओशियन जो था उसमें डार्विन्स ने व्हेनेवर ही वाज ट्रैवलिंग इन हिज एचएमएस बीगल, जो कि उसमें जब वो पूरी की पूरी यात्रा कर रहा था, और वी कैन से व्हेन ही वाज ऑन हिज वोएज, तो उसने अमेजिंग वैरायटीज देखी थी गालापागोस आइलैंड्स में. तो वही गालापागोस आइलैंड्स दे आर व्हाई दे आर फेमस इनिशियली व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे बहुत जायंट टॉर्टोइज़ेस मिलते हैं बिग साइजेस के, एंड दे आर फाउंड नोवेयर. ये तो मैंने आपको बताया था ना. एंड मोर ओवर दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी लिविंग लेबॉरेटरीज ऑफ एवोल्यूशन. कि एवोल्यूशनरी स्टडी करनी हो ना, तो एक तरह से डिफरेंट क्रिएचर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दैट पार्ट, दे आर ऑल रिजेम्बलिंग विद द मेनलैंड. आस पास के मेनलैंड से वो मिलते जुलते हैं, इसीलिए उनको हम लिविंग लेबॉरेटरीज ऑफ एवोल्यूशन भी कह सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वट आर लिविंग लेबॉरेटरीज? Living labs or laboratories of evolution. I am थोड़ा सा abbreviated form में लिख रही हूँ because of no space is there. Living laboratories of evolution, Galapagos Island we can say. और Darwin finches हमें बताया ही, मैंने आपको last बताया ही था कि one of the best example of adaptive radiations which was giving the macro evolutionary changes through the micro evolutionary process. इसमें हमने अपने last lecture में बहुत सारे evolutionary process देखे थे और वो minute definitions पढ़ी थी, जैसे कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, occurring through the micro evolution. और micro evolution क्या है? It is occurring at the allele level or gene level, which is responsible for the formation of race. जब भी different varieties बनती हैं, races बनती हैं, having the very less number of characters that are differentiated between different species. एक और दो species में थोड़े से characters के differentiation होने के कारण, यानी कि allelic frequencies और genes के change होने के कारण micro evolution होती है. And later on it proceeds towards the macro evolution. Macro means large scale changes आ जाते हैं बहुत समय के बाद और नई नई species बनती हैं एक ही group के अंदर, then we call it a macro evolution. तो ये macro evolution भी मैंने last में आपको बता दिया था, micro evolution भी बता दिया, और mega evolutionary processes are also there occurring in nature that are occurring at the highest taxa or the family level we can say or order level पे. बहुत बड़ी बड़ी families में changes आ रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं mega evolutionary changes. ठीक है, तो ये सब changes तो हो ही रहे हैं continuously evolution में, बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी हैं. तो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस एडेप्टिव रेडिएशंस, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में तो बता ही दिया था कि एडेप्टिव रेडिएशन में फर्स्ट एग्जांपल डार्विन फिंचेस का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. और सेकंड इज ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. तो उस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की हेल्प से वी हैव स्टडीड अबाउट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सॉरी वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट वी कैन से डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी डायरेक्शनल और वी कैन से एंडमिज्म, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा और डायरेक्शनल भी देखा और स्टेबलाइजिंग. ये सब चीज़ें मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड दे आर नॉट मैंशनड इन एनसीईआरटी, तो यू हैव टू रीड इट और सी द लेक्चर वेरी केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ एमसीक्यूज विच आर बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर. इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट सा दिया गया है एनसीईआरटी में, डेफिनेशंस दी गई हैं उनकी, टर्मिनोलॉजी नहीं दी गई. तो मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव ऑल दी टर्मिनोलॉजी दैट आर बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर. इस चैप्टर से जितने भी बिलोंग कर रहे हैं वो सब मैंने देने की कोशिश, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. ठीक है, तो अब वन मोर एग्जाम्पल बाई टेकिंग दी अगेन वी विल बी टेकिंग दी एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स दी एडेप्टिव रेडिएशंस एंड ऑल्सो ए फिनोमिना ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एज वेल एज ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन. ये थ्री जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आज हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में एडेप्टिव रेडिएशन, मैंने आपको
बता ही दिया कि ये कॉमन एंसेस्टर से जब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं और एंसेस्टर एक ही है तो एंड दे डाइवर्ज टू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द prevalent environmental conditions wherever the species has grown and they are originating from a single ancestor and but diverging to different direction and this is called the adaptive radiations or divergent evolution. Diverge hogi na ek to uske liye hum marsupial ka bhi example lete hain. To marsupial kya hai? They are just pouched mammals we can say jinke hame maloom hai marsupials are related to kangaroos. Basically unko hum kangaroos bolte hain aur Australia is famous for these kangaroos. लेकिन इनिशियली दीज मार्सुपियल्स और जिसमें हम कह सकते हैं मेटाथीरियंस आते हैं. थ्री मेन टर्म्स हैं इन मैमल्स के बारे में स्टडी करें तो प्रोटोथीरियंस जिसमें हमने एग लेइंग मैमल्स और डकबिल प्लेटिपस पढ़ा था वो थोड़ी सी लोअर फॉर्म हो गई ठीक है और वो कहाँ से लोअर फॉर्म से मिलती जुलती होगी और जो हमें बता रही थी कि अब मैमल्स स्टार्ट हो रहे हैं बट देवर हैविंग दी लेग एग लेइंग कैपेसिटी तो उसमें तो हमने प्रोटोथीरियंस पढ़ लिए. फिर मेटाथीरियंस में वी विल बी स्टार्टिंग कौन से आती हैं ऑल दिस वॉट वी कैन से मार्सुपियल्स और कंगारूस. इनमें सिंगल एंसेस्टर जो भी था ना मार्सुपियल का इट ऑल्सो डाइवर्ज टू डिफरेंट डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एंड इट इज गिविंग रैंक टू वेयर एवर दीज स्पीशीज वर डेवलप्ड. और ऐसा कहा जाता है इनिशियली देवर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका में. नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले मार्सुपियल्स देखने को मिले ठीक है और वहां से फिर ये कहाँ माइग्रेट कर गए. दे माइग्रेटेड टू साउथ अमेरिका ठीक है वहाँ से साउथ अमेरिका एंड लेटर ऑन दे मूव टूवर्ड्स दी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर गए ठीक है. एंड व्हाट हैपन्ड ऑस्ट्रेलिया में इनका के साथ कोई भी कम्पीट करने के लिए नहीं था. आई मीन टू से प्लेसेंटल मैमल्स अभी डेवलप हो रहे थे. प्लेसेंटल मैमल्स को हम किसके अंदर रखते हैं प्रोथीरियंस या वी कैन से यूथीरियंस की हम बात कर रहे हैं जो ट्यूम मैमल्स होते हैं. प्लेसेंटल मैमल्स अभी डेवलप नहीं थे एंड देयर वॉज नो कॉम्पिटिशन ऑफ दीज मार्सुपियल्स विद एनी अदर काइंड ऑफ क्रिएचर्स और वी कैन से प्लेसेंटल मैमल्स देवर स्टिल डेवलपिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. उस वक्त वो डेवलप हो रहे थे तो इसी तरह से वो ओरिजिनली वेयर एवर दे मूव ऑस्ट्रेलिया जब सेपरेट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही विद इन दी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऑल दीज मार्सुपियल्स दे डाइवर्ज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया हैविंग दे अडैप्टिंग डिफरेंट हैबिटेट और निशेस हैबिटेट और उन्होंने स्पेशलाइज जहां पे भी गए उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वैसे वैसे उनके अंदर चेंजेस आए एंड दे वर अडैप्टेड इन दैट डायरेक्शन एंड थ्रू माइक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड आफ्टर ए लॉट्स ऑफ जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ लॉट ऑफ period of time they gave right to different species and but it was originated from a single ancestor stock. Marsupial se radiate karte hue jaise kuch spotted cuscus whatever has been given in NCERT maine unke sabke na naam likh diye hain theek hai to aapko inko learn bhi karna hai kyunki we have to correlate it with placental mammals ke sath bhi humne isko correlate karna hai to you will be we'll be trying our best to write them in a comparison ke way mein bhi abhi hum likhte hain. बट मार्सुपियल में जैसे मार्सुपियल रैट्स कुछ बने ठीक है देवर हैविंग बरोइंग हैबिट समवर चेंज इनटू पाउच्ड और कंगारू में ही थे. वॉम्बेट बैंडीकूट और कुआला ये डिफरेंट स्पीशीज बता रहे हैं देवर प्रेजेंट. शुगर ग्लाइडर जिसको हम फ्लाइंग फैलेंजर कुछ ट्री पे प्रेजेंट थे या समवर मैक्सिमम वर हर्बीवोरस और समवर फ्रूटीवोरस भी थे एंड समवर इंसेक्टिवोरस. आई मीन टू से बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट और बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ लिविंग जिस इस एरिया में वो रह रहे थे और जैसे जैसे उनका मोड ऑफ लोकोमोशन था वैसे वैसे वो डेवलप होते चले गए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल रेडिएशन ऑफ जो एक बेस्ट एग्जांपल देता है एडेप्टिव रेडिएशन का. तो इसमें आपने क्या करना है लर्न अकॉर्डिंग टू CBSE यू हैव टू लर्न डेफिनेशन इन व्हाट मैनर इट इज एक्टिंग एज ए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैसे शो कर रही है आपने यही बताना है बिल्कुल ऐसे ही. टू और थ्री लाइन्स आर सफिशियंट. सिंगल एंसेस्टर स्टेम जो भी है उससे डिफरेंट डायरेक्शन में ये गए हैं. स्टार्टिंग में कहाँ थे नॉर्थ से आए साउथ में गए साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में और कुछ साउथ अमेरिका में ही रह गए कुछ ऑस्ट्रेलिया में. जब पूरा सेपरेट हो गए तो व्हाट वाज देयर वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव मैमल नहीं था. प्लेसेंटल मैमल नहीं अभी डेवलप हुए थे तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं था इनकी कैपेसिटी थी इसलिए इनको कोई कॉम्पिटिटिव एनिमल मिला ही नहीं जिसके कारण ये बहुत सारी स्पीशीज बनाने में सफल हुए और अपना नंबर इन्होंने इंक्रीज कर लिया.
ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल जिसमें हमने बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड, टोटली सेपरेटेड है, तो इसलिए इसको हमने रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी पढ़ा है, और वी हैव टेकन इट एज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन एज अकॉर्डिंग टू द डार्विन, डार्विन ने इसको बताया था, एंड वन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन वॉज डार्विन फिंचेस एंड सेकेंड वन इज ऑफ मार्सोपियल रेडिएशन. अब हम आते हैं वन मोर फिनोमिना जिसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट आर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड व्हाट आर पैरेलल एवोल्यूशन. ठीक है, एंड द सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस वर ऑकरिंग इन द प्लेसेंटल मैमल्स, दे वर रिजाइडिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एक वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया में थे और वो भी ऐसे ही डेवलप हो रहे थे. आई मीन टू से प्लेसेंटल मैमल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जब डेवलप हो रहे थे ना, तो प्लेसेंटल थोड़े थोड़े हो चुके थे, आई और वी कैन से इन अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में या ओलिगोसीन में या हम कह सकते हैं ओसीन पीरियड में जो लेटेस्ट चेंजेस थे ना प्लेसेंटल मैमल के, वो किस तरह से थे, जैसे कि स्टेम था उनका श्रूज, श्रूज हमें मालूम है ना आज की डेट के जो श्रूज हैं, श्रूलाइज मैमर फोर डिजिट पे प्लान पे दे आर मूविंग, एक तरह से हम श्रूज उनको बोलते हैं, चूहे की आकार के होते हैं या छुछुंदर के आकार के, तो इनिशियली जो स्टेम और प्लेसेंटल मैमल्स थे ना दे वर ऑल्सो जस्ट लाइक दिस एंड दे वर ऑल्सो फ्लोरिशिंग विद द मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स के साथ ही फ्लोरिश कर रहे थे, बट लेटर ऑन व्हेन दे डेवलप्ड दे डोमिनेट ऑन दिस मार्सुपियल्स, मार्सुपियल को इन्होंने डोमिनेट कर दिया एंड दे अडेप्टेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये भी गए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेम रेप्टाइल, जैसे इसमें से कुछ आंट खाने वाले थे, एंट ईटर थे, ठीक है, एंड सम वर फ्लाइंग स्केल जो उड़ सकते थे दे वर प्रेजेंट ऑन दी, बट दे वर रिजेम्बलिंग विद दिस ऑल्सो, ये एडेप्टिव रेडिएशन एक स्थान पर चल रही है वर्ल्ड के एंड दिस इज ऑकरिंग एट सम अनदर प्लेस. ठीक है, तो इसमें हमने कन्वर्जेंट का क्या काम करना है, कन्वर्जेंट कैसे है, जैसे कि हमारी बुक में एक डाइवर एग्जाम्पल दिया गया है कि वॉट एवर हैज बीन गिवन, कि ये जब एक एवोल्यूशन एक स्थान पे चल रही है उसके एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज बन रही हैं थ्रू माइक्रो एवोल्यूशन और मेगा एवोल्यूशन, दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया पे द सेम प्रोसेस इज ऑकरिंग एंड टू अडेप्टिव रेडिएशन दे आर ऑकरिंग एट द सेम टाइम एंड दे आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही हैं. ठीक है, एंड दैट इज इट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जब वो पैरेलल चल रही है ना एक दूसरे के सेम टाइम पर, टू होम पैरेलल एवोल्यूशन भी बोलते हैं, टू अडेप्टिव रेडिएशन दे आर ऑकरिंग एट द सेम टाइम. ठीक है, सेम टाइम पर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट निशेज में, हैबिटेट्स में, क्लाइमेटिक एरियाज में डेवलप हो रहे हैं, एक ओरिजिनल एंसेस्टर से डाइवर्ज हो रहे हैं, और वॉट वी कैन कॉल देम, वी कैन कॉल देम इकट्ठी हो रही है ना, पैरेलल साइमल्टेनियसली हो रही है, पैरेलल एवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, और कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल मैं अपने विद द एग्जाम्पल ऑफ अवर सेल्फ लेना चाहेंगे, जैसे कि मैं और मेरी कज़न है, या वॉट वी कैन से माई मैं और मेरी कज़न की ही बात कर लें, या थोड़ी सी दूर की सिस्टर की बात कर लें, तो उसमें क्या होगा, हमारा एंसेस्टर या पेरेंटल दादा दादी सेम है, ठीक है, एक ही एंसेस्टर है ना, मान लो वो कज़न चली जाती है अमेरिका में और मैं यहाँ हूँ, तो वहाँ अमेरिका में उसकी जनरेशन चलती है और वहाँ के डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंगली वो उसकी जनरेशन वाइज चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो वहाँ उसकी चल रही है और इंडिया में मेरी जनरेशन चल रही है, और जब वो वापस आएगी ना तो किस तरह से मैं और मेरी सिस्टर मिलते जुलते हैं कज़न्स, तो वो कन्वर्ज कर रहे हैं, इसी तरह से जो उसकी जनरेशन इवॉल्व हो रही हैं या मेरी जनरेशन इवॉल्व हो रही हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं आपस में. तो इसको हमने क्या नाम दिया, टू डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस दे आर कन्वर्जिंग और मर्जिंग विद ईच अदर, रिजेम्बलिंग विद दी ईच अदर. ठीक है ना, बट द फिनोमिना इज ऑकरिंग एट डिफरेंट एरियाज, ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस में और फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज में, और किस तरह से वो डाइवर्स हो गई और किस तरह से वो रिलेटेड हैं, ऑल दिस थिंग्स दैट वी हैव शोन विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट वी कैन से डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड पैरेलल एवोल्यूशन. जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया, आई शुड टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस पेज नंबर, देयर इज अ पेज नंबर
134 प्लेसेंटल मैमल्स दे हैव बीन गिवन ऑन वन साइड. अब बच्चों आपने ना इसको एनसीईआरटी को ही ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, डायग्राम्स अच्छे से स्टडी करने हैं, ठीक है. तो इसीलिए आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस बुक एंड यू हैव टू ट्राई टू लर्न. जैसे प्लेसेंटल मैमल का मोल है और मार्सुपियल मोल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, देयर इज आर रिजेम्बलिंग विद ईच अदर, कजन्स हो गए ना. अब प्लेसेंटल मैमल की एक जो जनरेशन है नेक्स्ट आंट ईटर, और उधर से नंबर्ड हो गया ऑस्ट्रेलियन मेंबर्स का, दे आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर. माउस प्लेसेंटल मेंबर का और मार्सुपियल माउस, दे आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर. लेम्योर और स्पॉटेड कसकस, दे आर कन्वर्जिंग. तो इस डायग्राम को आपने अच्छे से करना है कौन किससे मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ना. और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें कुछ एक्स्ट्रा से दिए हुए हैं बर्ड्स एनिमल्स, तो वो आप इस वाले डायग्राम को जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पैरेलल एवोल्यूशन भी शो कर रहे हैं और कन्वर्जेंस भी शो कर रहे हैं, इसको आपने अच्छे से करना है. और जब सीबीएसई के क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो वो पूछेंगे नहीं कौन किससे मैच कर रहा है, इतना एस्पेक्ट सीबीएसई में नहीं पूछते, लेकिन दो एग्जाम्पल आपने कर लें जैसे कि बुक में आपके दिए हुए ना मार्सुपियल्स में प्लेसेंटल वुल्फ कौन से एंड तास्मेनियन वुल्फ कौन से हैं, तो ये तो आप लर्न कर लोगे. तास्मेनियन वुल्फ किस में आते हैं, दैट कम्स अंडर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, एंड वुल्फ सिंपली अंडर कम्स दी सिंपल कम्स अंडर द प्लेसेंटल, बॉबकैट ऑफ द प्लेसेंटल एंड तास्मेनियन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन. तो ये टू आपने अच्छे से करना है, कौन सा प्लेसेंटल है कौन सा मार्सुपियल है, ठीक है. और दे आर इमर्जिंग विद ईच अदर टू शो द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और दे आर रिजेम्बलिंग विद ईच अदर. तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू एडेप्टिव रेडिएशंस. अब हम पढ़ेंगे बहुत सारी थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू दी, कौन सी थ्योरीज हैं दैट आर रिलेटेड टू दी विच आर एडिंग इन ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. लेमार्क थ्योरी, डार्विन्स की थ्योरी हमने नेचुरल सिलेक्शन की पढ़ी है, नाउ वी विल बी कमिंग टू लेमार्क थ्योरी क्या है, नियो लेमार्किज्म क्या है, यानी कि लेमार्क के जो प्रोपोनेंट कौन से हैं ओपोनेंट कौन से हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी में भी ब्रीफ में ही है तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी मूविंग. तो उसको थोड़ा सा क्लियर करना है, उसको हम क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग. वन मोर टॉपिक वॉज लेफ्ट, एंथ्रोपोगोनिक सिलेक्शन बीच में रह गया था, वो भी हम देखेंगे.